नानू जॉइन योर हैंड्स। बापा बापा करे बोल बापा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा माला चांगली सुखी ठेवा माला चांगला अभ्यास होऊ द्या। हाँ जोड आता बाहेर जायचं आणि आई बाबांची पाय पडायचं आणि आई बाबांना ते द्यायचं ठीक आहे। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। जैसे आप सबको पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है तो आप सबको गुरी पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और मेरा और निशु का तो पैर पड़ के हो गया मम्मी डैडी को, अभी परी की बारी है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे लाइफ में फर्स्ट गुरु हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, हमारे मॉम डैड, तो आज के दिन उनके पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो इसके लिए आज का दिन गुरु पूर्णिमा बोल के मनाया जाता है। तो अभी परी जा रही है बाहर अपने दादा दादी के पैर पड़ने के लिए, है ना परू? और क्या देने वाले हो? क्या देने वाले दिखा? हम लोग देने वाले किट कैट आई बाबा को। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। तुम भी दे। हाँ तुम ही दे दो, मैं क्यों दूँ, आप दोगे आई बाबा को। मैकडॉनल्ड डिलीवरी गर्ल बन गई है। ये उसका प्ले ग्रुप का शर्ट है जो मैं कल कबर साफ कर रही थी तभी हम लोग ने निकाला था आउट करने के लिए, बट वो कल से इसको पहन के घूम रही है। उसके ऊपर उसने एक बैच भी लगाया जैसे मैकडॉनल्ड वाले लगाते हैं ना नेम बैच। और उसके पास एक जूना, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये सुशांत का क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल डायरी जो बहुत जूना था। कल निशु ड्रॉर साफ कर रहे थे तो उनको मिला, तो ये शर्ट पहन के बैच लगा के इसके ऊपर वो फ्रेंच फ्राइज के ऑर्डर ले रही है। फ्रेंच फ्राइज गर्ल बन गई है। तो आपको भी किसी को मैकडॉनल्ड से कोई डिलीवरी चाहिए तो आप परी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल में हम लोग बनाने वाले सूजी का शीरा, रवे का शीरा। और हमारे घर में जब भी मीठा बनता है या बाहर से मीठा आता है तो हम लोग पहले भगवान को दिखाते हैं उसके बाद ही खाते हैं। तो आज मैं मेरे हाथ का नहीं आपको मम्मी के हाथ का स्पेशल शीरा दिखाऊंगी। और मम्मी सच में बहुत अच्छा शीरा बनाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं किचन में और शीरा बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मम्मी फुल रेडी है शीरा बनाने के लिए। मम्मा आर यू रेडी? रेडी आपका शीरा स्पेशल दिखाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी ने सबसे पहले घी डाला है, रियल घी, असली घी। और अभी इसमें मम्मी क्या करने वाले हो? मम्मा ये सब फ्राई करने वाले हो? ये सब ड्राई फ्रूट है जिसमें ये है बादाम, काजू, पिस्ता, उन्होंने अच्छे से कट करके लिया है। तो पहले वो इन सबको इसमें डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेंगे, फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो ये देखिए सब ड्राई फ्रूट अच्छे से मम्मा ने फ्राई करके लिया है। और अभी वही सेम कढ़ाई में जितना घी बच गया था उसमें ही मम्मा ने एक ग्लास रवा डाला है। मैं आपको ग्लास का भी दिखाती हूँ मेजरमेंट। मम्मा कौन सा ग्लास था? अब इसको रवे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इस घी में अच्छे से भूंज के लेना है। ये वाला कप ग्लास था जिसमें मम्मा ने फुल ग्लास रवा लिया है, कच्चा रवा है। कच्चा रवा घी में डाल के अभी इसे अच्छे से
भूंजना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और साइमेंटेनियसली उन्होंने कितना तीन ग्लास ना तीन ये सेम तीन ग्लास पानी रखा है बॉयल होने के लिए। दो दिन से कंटिन्यूस बारिश ही हो रहा है। ये देखिए इतनी जोरदार बारिश हो रही है, हवा चल रहा है और ओपन बालकनी में से ना बारिश देखने में बहुत बहुत मजा आ रहा है। गर्मा गर्म भजी खाने का मन कर रहा है, गर्म चाय या कॉफी पीने का मन कर रहा है। देखिए ना कितना जोरदार बारिश है, देखिए हवा भी कितनी चल रही है और कंटिन्यूस गिर ही रही है बारिश। बहुत अच्छा लग रहा है, क्लाइमेट भी एकदम ठंडा हो गया, अच्छा हो लग रहा है। देखिए सानू भी आ गई है बारिश एंजॉय करने के लिए बाहर। अरे माँ नानू आपने मम्मम किया? हाँ मम्मा को बोला हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मम्मा हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोली। तो चलिए अंदर, मम्मा की रेसिपी तो ऑलरेडी चल रही है, अब अंदर जाती हूँ और अंदर से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए रवा भी अच्छे से भूंज के हो गया है, इसका पूरा कलर चेंज कर चुका है, वाइट था तो अभी ब्राउन में हो गया है। अब क्या करना है मम्मा? अभी इसमें पानी डालने का है। के कलर डालना है पहले, थोड़ा कलर डालने का बाद में पानी डालना। अभी इसमें मम्मी फूड कलर ऐड करने वाली है, तो अभी ये ऑरेंज कलर का फूड कलर है तो अभी मम्मी वो ऐड कर रही है। स्लोली संभाल के ऐड कीजिए क्योंकि वो बबल्स बहुत बदन पे उड़ता है उसका। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके ले लीजिए। अब इसमें ये जो गरम पानी बॉयल गरम पानी किया था उसको स्लोली ऐड कर दीजिए। जो सूजी यानी कि जो रवा होता है वो पानी ज़्यादा सोक करता है, तो इसके लिए हमने तीन बड़े ग्लास पानी लिया था, तो वो अभी धीरे धीरे मम्मा इसमें ऐड कर देगी। इसे अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देंगे। तो 5 मिनट इसको मम्मी ने कवर करके लिया, तो देखिए पूरा जितना पानी था वो पूरा रवे ने अच्छे से सोक कर लिया है। तो अभी इसमें मम्मा और पानी ऐड करना है कि इतना बस हो गया? बस तो थोड़ा सा और मम्मी ने पूरा पानी नहीं यूज़ किया है, थोड़ा सा बच गया है। अभी उसमें ऐड करेंगे शक्कर आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, आपको जितना मीठा कम ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से। तो मम्मी ने यहाँ पे एक ग्लास रवा था तो उसका आधे से ऊपर ग्लास शक्कर लिया है क्योंकि मम्मी को मीठा शीरा ही पसंद है, उनको ऐसा फीका शीरा ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि खाने में भी फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो कभी कभार आप बनाते हो तो फिर अच्छे से ही बनाओ, ऐसा मम्मा का कहना है, वो हमेशा यही बोलती है कि हम रोज़ तो नहीं बनाते तो जब बनाते तो अच्छे से ही बनाने का। तो इसलिए उन्होंने आधे ग्लास से भी ज़्यादा शक्कर उसमें ऐड किया। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसका हाफ से भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है और इसमें ही मम्मी ने 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया है और थोड़ा सा चारोली को भी ऐड करेंगे। बस चारोली को देख लीजिए उसमें कुछ कचरा उचरा ना हो क्योंकि कभी कभी पत्थर भी होता है। ये उसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर क्या मम्मा कवर करना है ना, कवर करके अच्छे से उसको कुक करके लेना है। आई थिंक 10 मिनट लगेगा ना मम्मा, कवर करके 10 मिनट। अभी शक्कर डालने के बाद शक्कर भी मेल्ट होने लगता है, तो देखिए पहले थोड़ा थिक था, अब शक्कर जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है ये लिक्विड ही होते जा रहा है। तो इसलिए मम्मी ने पूरा पानी यूज़ नहीं किया, थोड़ा पानी रख दिया कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ही पानी ऐड करेंगे। तो उन्होंने 2.5 ग्लास पानी ऐड किया, हाफ ग्लास पानी बचा के रख दिया है, बट अभी इसमें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 2.5 ग्लास से ये हो चुका है। बस अभी इसको कवर करके आप 10 मिनट स्टीम पे रख दीजिए और आपका गर्मा गर्म घी का शीरा रेडी। अभी से उसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना वो घी की कि आई कांट जस्ट वेट टू ईट इट। तो मैं आपको ये रेडी होने के बाद फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ। सो द शीरा इज़ ऑल रेडी, अभी मम्मी उसके ऊपर थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देगी और ये हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें से ही थोड़ा निकाल के पहले भगवान के पास रखेंगे और फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए पापा का रेडी हो गया नैवेद्य, तो मैं पहले उनको दिखा देती हूँ।
के हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए डैडी का प्लेट रेडी हो चुका है। आज है दही, चने की आमटी, ग्रेवी, मम्मा का बनाया हुआ शीरा, सैलेड और चपाती, राइस एंड वरण। आज का गुरु पूर्णिमा स्पेशल। और मम्मी भी आप सबको एक मैसेज देना चाहती है, बोलो मम्मा। गुरु पूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना। थैंक यू मम्मा। और अभी मम्मा जा रही है लेके डैडी के लिए। डैडी का लंच रेडी है, अब डैडी करेंगे लंच, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। सो ये देखिए मैं मेरे लिए और निशु के लिए शीरा लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमसे रहा नहीं जा रहा है कि हम लोग वेट करें कि पहले लंच हो जाए और उसके बाद शीरा खाए। सो हमको पहले शीरा खाना है, तो इसके लिए मैं और निशु अभी गर्मा गर्म शीरा एंजॉय करेंगे। एंड लेट्स सी हाउ इज द शीरा, लेट्स टेस्ट फर्स्ट। सानो कम आउट बाबू, कम आउट। मैं टेस्ट करके देखती हूँ। मम्मी के हाथ का बना है तो नो डाउट, फिर भी बहुत गर्म है, कमाल बना है, आउटस्टैंडिंग। ड्राई फ्रूट, घी और जो उसको भूंजा है ना, उसका कॉम्बिनेशन इतना मस्त लग रहा है ना इसमें। हाँ, और मम्मी ने आज भर भर के सब अच्छे से क्वांटिटी यूज किया है। हाँ, खुले हाथों से। मम्मी बोले क्या बोल रहे हो मम्मा? खुले हाथ से डाला है सब मेवा। क्योंकि आज हम आई थिंक जब सुशांत था यहाँ पे तभी हम लोग ने शीरा बनाया था मम्मी ने, उसके बाद से शीरा बना ही नहीं है, बाकी खीर वगैरह ही सब बनते गए, बट शीरा आज इतने महीनों के बाद बनाए। तो कोई भी चीज़ आप बहुत लंबे गैप के बाद बना के खाते हो ना, तो उसको खाने का मज़ा ही टेस्ट ही अलग आता है। तो शीरा भी उतना यमी बना है, और मम्मी के हाथ का शीरा तो हमेशा कमाल ही बनता है, इसलिए अब शीरा बनाना हो ना तो मोस्टली हम लोग मम्मी से ही बनवाते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को मम्मी का रेसिपी भी दिखा दिया, और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी कज़न सिस्टर इन लॉ है नमिता ताई करके, वो भी बहुत अच्छा बोलते ना नानू, औरत भी कैसे चला। हाँ, तो वो भी ना बनाना, ये शीरा में बनाना डाल के बनाती है, और इतना कमाल बनाती है ना, अगर आप एक बार उनके हाथ का खा लो तो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। वो इतना टेस्टी खाना बनाती है, एक तो ये शीरा जिसमें बनाना डाल के, और दूसरा गेहूं के आटे का शीरा जो गणपति में बनता है और नवरात्रि में बनता है, तो जिस दिन वो शीरा बनेगा ना तो उस दिन बचता ही नहीं, इतना यम्मी बनाती है वो। घी में बनता है वो गेहूं के आटे का शीरा, और बहुत टेस्टी बनाती है। तो कभी अगर मेरा ताई के यहाँ पे जाना हुआ, एंड इफ ताई इज़ कम्फर्टेबल टू शूट, तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊँगी, बहुत अच्छा बनाती है। और आप में से भी किसी को अगर मेरे चैनल पे अपना रेसिपी शूट करना है तो आई एम ओके विथ इट। जैसे अभी मेरे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, तो वो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स ही है, फैमिली मेम्बर्स ही है। तो कभी अगर मैं आप लोग यहाँ पे आऊँ, या मेरे मम्मी के यहाँ पे भी मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वहाँ जाऊँ, और अगर आप लोग को आप लोग की कोई रेसिपी मेरे चैनल पे दिखाना है, तो आई एम गिविंग योर ओपन इनविटेशन, वेलकम टू माय चैनल। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि येस आई वॉन्ट टू शूट अ रेसिपी विथ यू, क्योंकि मेरा मेन मोटो तो यही है कि मैं मेरी रेसिपी दिखाती हूँ, मम्मी की रेसिपी दिखाती हूँ, और जितना हो सके उतनी ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज़ के रेसिपी मैं आप लोग तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है, और जैसा मेरा भी ये यूट्यूब चैनल है, आप लोग के पास चैनल नहीं है और आप लोग फिर भी आपका कोई स्पेशलिटी होगा, अगर वो आप दिखाना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर मैं कभी आप लोग के यहाँ पर आऊँ, जैसे मेरे काकी सास नेरुल में रहती है वहाँ पे, या जैसे मेरी ताई विरार में रहती है वहाँ पे, तो ऐसे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, अगर मैं कभी उनके यहाँ पे जाऊँगी तो मैं उनकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल,
और मुझे ज़रूर बताना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक कि आप में से कोई, ज़रूरी नहीं फीमेल्स ही हो सकते, मेल्स भी हो सकते हैं, जैसा मेरा भाई है, निशु है, सुशांत है, बहुत सारे और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो अगर उनमें से भी कोई उनकी रेसिपी स्पेशलिटी शूट करना चाहता है तो मैं वो भी अपलोड कर सकती हूँ। जैसे निशु का एग में अच्छा है वो, हाँ एग बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मैंने उनकी रेसिपी भी आपको दिखाई थी एग फ्राइड राइस की। तो ऐसे आप में से भी कोई अगर दिखाना चाहता है तो डू लेट मी नो एंड आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। और अभी हम लोग गर्मा गर्म शीरा, ये देखिए जो ऑलरेडी हाफ हो चुका है, आई थिंक मेरा ब्लॉग ख़त्म होने, तो वो पूरा ख़त्म होने वाला है, मुझे दूसरा लाना पड़ेगा। और अभी हम लोग शीरा एंजॉय करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, बाय।